की संख्या में ये कोचिंग स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये जो एनटीए ने जो डिसीजन लिया था हिंदी पेपर का उसके विरोध में आज एनटीए के विरोध में ये लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। एनटीए के जो संघर्ष समिति बनाई है उसके संरक्षक भाटिया जी हमारे साथ हैं। हम भाटिया जी से जानेंगे। भाटिया जी, आपकी क्या डिमांड है? हमारी तीन मुख्य मांगे हैं। पहली मांग है कि जो गलत तरीके से अंक काटे गए हैं सही उत्तर होने के बावजूद वो हमारे अंक लौटाए जाएं, विद्यार्थियों को वापिस पांच अंक का लाभ होगा, इससे वो लाभ दिया जाए, यानी उनके सही उत्तर को, सही प्रश्न के सही उत्तर को सही माना जाए। तो इनकी आंसर की हिंदी वालों की हिंदी के हिसाब से चेक की जाए, अंग्रेजी वालों के आंसर की अंग्रेजी के हिसाब से चेक की जाए, और एनटीए के पैनल ने और एनटीए ने जो गलत बताया है उस उत्तर को 50 से अधिक सेंट्रल बोर्ड में 12th क्लास पढ़ाने वाले और डिग्री कॉलेजेज में पढ़ाने वाले टीचर्स का पैनल बनाकर जो हिंदी भी जानते हो और अंग्रेजी भी जानते हो उनसे एक बार जांच करवा ली जाए। बात वही निकलेगी जो मैं कह रहा हूँ, हिंदी में आंसर 5/√2 आएगा। क्या क्या गलती थी इस पेपर? क्या गलती? इसमें गलती कुछ नहीं थी। जिस दिन पेपर हुआ, एक मिनट बच्चों शांत रहो, जो बेसिक गलती एनटीए ने की वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा आजादी के 75 साल बाद भी भारत में होने वाले हर एक पेपर पर ये लिखा रहता है कि यदि ट्रांसलेशन में कोई मिस्टेक हो तो कृपया अंग्रेजी के क्वेश्चन को सही माना जाए। हालांकि होना नहीं चाहिए, मान ली ये बात उनकी की सही है, लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन में कोई मिस्टेक नहीं थी। हिंदी में क्वेश्चन अपने आप में परिपूर्ण था, उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, और हिंदी के विद्यार्थी का चूंकि क्वेश्चन बिल्कुल अंग्रेजी से डिफरेंट था लेकिन क्वेश्चन हिंदी में पूरा सही था, इसलिए हिंदी के विद्यार्थी को अंग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं हुई और उसने उत्तर हिंदी के हिसाब से दिया जो सही था, लेकिन एनटीए ने उनके उत्तर को हिंदी के अंग्रेजी के हिसाब से जांचा जो एनटीए की सबसे बड़ी भूल थी। ये है संघर्ष समिति के संरक्षक जो कह रहे हैं कि हम एनटीए के खिलाफ यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही एक छात्र है हमारे साथ, उनसे जानेंगे ये आज क्यों इकट्ठे हुए हैं। सब इसीलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हिंदी मीडियम का जो आज अधिकार है हमें ऐसा लग रहा है कि मारा जा रहा है। भाटिया सर जी के नेतृत्व के अंदर हम सब आज इकट्ठे हैं और विकास जी भाई साहब के साथ में आज हम सब, इन्होंने हमारे आज हिंदी मीडियम की पूरे देश के अंदर आवाज उठाई है। इसी आवाज के अंदर हिंदी मीडियम का जो आप यहाँ क्या करने जा रहे हैं ये है कि हमारा जो 5 नंबर का जो अंक हमें कटे हैं हमारे, वो अंक हमें मिलने चाहिए। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं आज? ओम बिरला जी के आज हम घर जाएंगे और उनको, भाटिया सर जी हमारे जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं वही हमारा न्याय दिलाएंगे। आज हम उन भाटिया सर के ऊपर ही सारे के सारे डिपेंड है। हम स्टूडेंट आज उनके बच्चों की तरह है, आज स्टूडेंट है उनके शिष्य है, जो करेंगे हमारे गुरुजी करेंगे। आज ये जो सारे स्टूडेंट यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ये एनटीए के खिलाफ जो निर्णय के खिलाफ यहाँ एकत्र हुए हैं, आज ये ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है और ये एनटीए तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। कोटा से संजय वर्मा, राजस्थान तक।